వారిని వారందరి కృష్ణ సాబ్ మంగళ సినిమా టూట్ ఆయ సమంది मेरे दिल की बात को समझा दो, थोड़ा थोड़ा समझा। बहुत दिनों से मेरे दिल में ये है कि मैं इस कुर्सी पर कब विराजमान हो जाऊं। ये तो मेरा मेरे सामने दर्द हो रहा अच्छा। है इस कुर्सी पर यह पे और अगर बैठ गया तो ये राज ताज का मालिक दादा सिंह होगा। और आज दबा क्या नहीं हो, कारण क्या है,
इतना खुशहाल हूँ रानी को बच्चा पैदा हुआ है। महारानी कुलवंती को बच्चा पैदा हो गया, सारा सपना अधूरा हो गया। मैं क्या सोचा था और क्या हो गया, पूरी जिंदगी बैठ कर रात करूंगा। लेकिन महारानी कुलवंती को बच्चा पैदा हुआ नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तो महारानी कुलवंती को बच्चा पैदा हुआ, मैं भी हूँ, मेरे भी महल में मेरी बीबी को भी बच्चा पैदा हुआ। बच्ची मच्छी पहनोई है मच्छी, हाँ आपको मच्छी पहनोई है, बच्चा बच्चा लड़का पैदा हुआ मेरी बीबी को, हमारी बीबी को लड़का। हाँ लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं होगा। मेरी मर्जी से मेरा सपना पूरा होगा, मैं नहीं इस राज का मालिक बन सका, कम से कम मेरा औलाद तो। महाराज जी आपकी बात में समझ नहीं पा रही, आज रखला तुम्हें यही करना है। क्या करना है? करना यही है, महारानी कुलवंती जब अपने महल में सो जाए, अच्छा मेरे बेटे को उठाओ मेरे घर से, तुम्हारे बेटे को उठाओ, अच्छा महारानी कुलवंती की गोद में डालो और महारानी का बच्चा उठाकर लाकर मेरे पास ले, ताकि वो बच्चा मेरे घर रहे और मेरा बच्चा महारानी होगा। जब तक राजकाज संभालना है मैं संभालूंगा, जब वो सियाणा होगा राजकाज का मालिक मेरा, दुनिया में ठिकाना नहीं मिलता, मेरे जैसा कातिल ना पैदा हुआ ना तो पैदा। वाह वाह है रखना, तुम्हारे जैसा स्थान कोई नहीं है।
लेकिन बताइए कुछ नहीं लाती हूँ। महारानी की गोद में पलेगा, श्यान होगा, पलेगा, श्यान होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, राज का मालिक होगा और महारानी के बच्चा मेरे यहाँ पलेगा। मतीजी, आपने लगा मुझे दीजिए, मैं लेके जाऊँगा। जब पल जाएगा तो उसको सब कुछ सिखा। और मेरा लड़का रात का मालिक, मेरे बच्चे का।